नमस्कार, मैं अनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सबके लिए, और मैं बताऊं तो सक्सेस और फेलियर के बीच की ये ब्रिज है, ये कड़ी है। अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर हम सक्सेसफुल होने का सपना नहीं देख सकते। दैट्स वेरी सिंपल। और उस शब्द का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गरीबी, अमीरी, मेडियोकर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सक्सेसफुल एंड फेलियर केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफाइन होता है। बहुत सही कहा गया है कि आई कैनॉट चेंज एनीथिंग आउटसाइड, आई कैनॉट चेंज माई वाइफ, आई कैनॉट चेंज माई सन, आई कैनॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, आई कैनॉट चेंज दिस अर्थ मूवमेंट, आई कैनॉट चेंज द सन, आई कैनॉट चेंज द मून, आई कैनॉट चेंज द विंड, बट वन थिंग आई कैन चेंज एंड दैट इज मी माई सेल्फ। और इस चेंज के बीच में जो कड़ी है, जो चेंज हमें करने नहीं देता, जो सब्जेक्ट हमें रोकता है, जो हर्डल है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, उसका नाम है ब्लेम गेम एंड क्रिटिसिज्म। वी ऑलवेज यूज टू ब्लेम। जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब भी कोई चेंज करने का सिचुएशन आता है, सो वी ऑलवेज ब्लेम द सर्कमस्टांसेस। ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। वी ऑलवेज टॉक अबाउट ब्लेम, एंड अगर हम ब्लेम से हटते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके चलते ये नहीं हो पाया, अगर वो होता तो हम कर सकते थे। सो दीज ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, टू थिंग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट हर्डल्स ऑन द रोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील That you must be knowing it. मनुष्य जात के पीछे ये दो चीजें पड़ी हुई हैं, भूत की तरह, पिशाच की तरह, जो कभी उसको रिस्पॉन्सिबल बनने नहीं देती। अब जरा केवल थोड़ा सा ध्यान दें कि हम कहाँ कहाँ मिस किए हैं, कहाँ कहाँ गिरे हैं। जहाँ जहाँ मौका मुझे मिला है रिस्पॉन्सिबल होने का, वहाँ वहाँ कैसे मैंने अपने आप के साथ धोखा किया है। जब हम स्कूल गए तो हमने झूठ बोला। जब हमें क्लास में होना चाहिए था तो हमने क्लास में नहीं जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें ट्यूशन पे होना चाहिए था वहां मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हमने अपने आप को धोखा दिया, हमने झूठ बोला, हमने क्लासेस बंक किया, हमने गुटखा खाया, हमने शराब पिया, हमने सिगरेट पीना सीखा। जब हमें पढ़ना चाहिए था, जब हमें पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तब मैंने फेसबुक पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, टीवी पे समय बिताया, सिनेमा हॉल में जाके बैठे, मॉल्स में घूमे, गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स के पीछे समय बिताया। मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को समझने का समय था, तब हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा। यानी मैं बोलूँ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने नहीं ली। और आज हम फेल हो गए, आज हम गरीब हो गए, आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, दोष देना शुरू किया कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं थे, मेरा घर अच्छा नहीं था, मुझे पैसे नहीं मिले समय पे, मेरा स्कूल बेकार था, प्रधानमंत्री ही बेकार था। मतलब हमने चारों तरफ से एक रैशनलाइजेशन शुरू कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छुपाने का। दैट इज द मेन रीजन दैट द पीपल and the person are not changing. जब तक हम responsibility नहीं लेंगे तब तक कोई change नहीं हो सकता। मैं छोटी सी response अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। I belong to a very humble family. My mother was earning only 600 rupees, including my father also. मेरी माँ का सपना था कि मैं एक IAS officer बनूँ। मैं class 10th में बहुत अच्छा कर रहा था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप किया था। मेरी माँ ने कहा कि ये गांव का स्कूल है, यहाँ पे तो IAS बनने का माहौल नहीं है, तो मुझे बनारस भेजा गया। उसके पीछे भी एक मोटिवेशन था, क्योंकि हमारे स्कूल में
एक गांगी राय नाम का एक लड़का जो पहले बनारस पढ़ने गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो माँ बहुत इंस्पायर्ड थी गांगी राय से, मुझे भी भेजा गया बनारस पढ़ने के लिए। मेरा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, यूपी इंटर कॉलेज में हुआ। अब वहां से मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए थी, क्यों? चूंकि मैं अब कॉलेज में आ चुका था, प्लस टू में पढ़ रहा था और मैं अकेला था, हॉस्टल में रहता था, वहां मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। मैंने वो नहीं ली, मैं दोस्तों के पीछे रह गया, मैंने क्लास बंक करना शुरू किया, मैं पिक्चर हॉल को देखने लगा, जबकि गांगी राय वहीं पे सामने बगल के दो किलोमीटर आगे हॉस्टल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ने में बिजी रहा। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या करना है, ही वॉज नोइंग कि हु इज माई फादर, आई फॉरगॉट माई मदर, आई फॉरगॉट माई पेरेंट्स, आई वॉज इंगेज इन ऑल नॉनसेंस एक्टिविटीज विच आई कैनॉट से दैट एडवाइजेबल फॉर ए स्टूडेंट हुज मदर एंड फादर वेयर फ्रॉम ए हम्बल फैमिली। वॉट हैपन, आई फेल इन माई क्लास, आई डिस्ट माई फैमिली, आई डिस्ट माई पेरेंट्स, मैंने अपनी माँ की मेहनत को और अपनी माँ के सपने को बर्बाद कर दिया। और वहीं एक तरफ, दूसरी तरफ गांगे राय, ही स्टूड फर्स्ट एंड ही बिकेम अ डॉक्टर। आज भी वो डॉक्टर, बक्सर एक छोटी सी जगह है जहाँ वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, आप चाहें तो उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, यू कैन गो एंड इंक्वायर अबाउट मी ऑल्सो। लेकिन मेरी लाइफ में चेंजेज आया, आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल। जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू आनी शुरू हुई, आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी जो मैं करता आया था, बिकॉज आइंस्टाइन ने कहा, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ यू हैव टू स्टॉप डूइंग वॉट यू हैव बिन डूइंग प्रीवियसली। मैं जो काम कर रहा था वही काम करता रहता तो मैं बदल नहीं सकता था। वहां से मैंने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की, आई टुक ए जॉब एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ। मैं सिगरेट पीने लगा था, मैंने उसको छोड़ा। मैंने गलत दोस्तों को पकड़ लिया था, मैंने उसे छोड़ा। मैंने वो सारी चीज़ें, मैं किताबों को दोस्त बनाने लगा। मैं जैसा पहले था बचपन में, नॉर्मल चाइल्ड, एक अच्छा बच्चा, माँ का सबसे प्यारा बच्चा, अल्टीमेटली आई स्टार्टेड चेंजिंग माई ऑल एक्टिविटीज एंड नाउ आई कैन से दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज चेंज्ड मी। नाउ आई एम एज अ फादर, I have a responsibility of my family, and this responsibility has made me a person. आगे मैं जितनी भी changes मैं देखूंगा अपनी life में, उसमें responsibility ही सबसे बड़ा part होगा। तो I request all of you who is watching this video, don't hesitate in taking responsibility. Take responsibility. और एक बात और याद रखने का है, responsibility ली जाती है, responsibility दी नहीं जाती। जो ऑर्डिनरी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंतजार करते हैं कि कोई बॉस, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी टीचर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। जो आदमी आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही जिंदगी में सफल होता है। दैट्स वेरी सिंपल। आई होप दैट यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मुझे प्रधानमंत्री बनने का सपना भी होगा तो मुझे आज जहां हूं वहां से छोटी छोटी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करनी पड़ेगी, एंड अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सिखाती जाएगी, मुझे बताती जाएगी, मेरे कंधों को मजबूत करती जाएगी, मेरे अंदर के जो छुपे हुए तत्व हैं उसको बाहर निकालती जाएगी, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होती जाएगी और मैं कॉन्फिडेंस फील करूंगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड अल्टीमेटली आई कैन रीच व्हाट आई एम थिंकिंग टू रीच देयर। So, I hope that you will start taking responsibility. आप जो भी हैं, आप अगर बेटा हैं तो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप बेटी हैं तो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप फादर हैं तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाती है, एंड गॉड हेल्प्स दोज़ हू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। Thank you.